आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मीडिया से हुई रूबरू, कहा बिना भेदभाव के केंद्र सरकार सभी राज्यों को मुहैया कराए कोविड का टीका, विदेशों में भेजे जाने वाले वैक्सीन पर तत्काल लगाए रोक। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने कहा, जनपद वासियों और मीडिया का मिला भरपूर सहयोग, मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से विकास कार्यों को मिली गति, प्रदेश में गोरखपुर मंडल का रहा उच्चतम स्थान। कोरोना कर्फ्यू से छूट वाले जिलों में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, अब 10 जिलों को छोड़ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या 600 के नीचे। गोरखपुर न्यूज के लिए ग्रीस पांडे की रिपोर्ट। तिवारीपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, एक पिस्टल तथा एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला पंचायती राज विभाग जनपद के सभी 1294 गांवों में लगवाएगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम। डीपीआरओ ने कहा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ दी जा सकेगी गाँव के विकास कार्यों की जानकारी। अभिभावक स्पेशल कोविड टीकाकरण के तहत शुक्रवार को नगरीय स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर पर लगा 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को कोविड का टीका। सीएमओ ने कहा, कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के टीकाकरण से बच्चे रहेंगे सुरक्षित। फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक ही मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,934। अब तक 746 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 883 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम के नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, कहा मानसून के मद्देनजर सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का नगर निगम चला रहा है महाअभियान, जिससे मिल सके जल जमाव से निजात। मंडल एग्जाम नार्लिकर के तबादले के बाद शुक्रवार को आयुक्त सभागार में आयोजित हुआ विदाई समारोह, कमिश्नरी के अधिकारियों कर्मचारियों एवं बार एसोसिएशन ने दी भावभीनी विदाई, उनके कार्यों की सराहना। कोविड महामारी के बाद जिला अस्पताल में बंद चल रही ओपीडी शुक्रवार से हुई शुरू, एसआईसी ने कहा कोविड प्रोटोकॉल के तहत देखे जा रहे हैं मरीज। कांग्रेसियों ने देश में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने व प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन कराने की मांग को लेकर एडीएम सिटी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग। शुक्रवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 74 बूथों पर 12,909 लोगों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, वैक्सीन की नहीं है कमी, अवश्य कराएं टीकाकरण। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का शुक्रवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। एसपी सिटी ने कहा, जनता के सहयोग से जीता जा सकता है कोरोना से जंग।